उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के 2 महीने बाद पीएम मोदी दूसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर डिनर करने पहुंचे। इससे पहले वह पहली बार 2017 में तब आए थे जब लंबे समय के वनवास के बाद यूपी में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। मोदी का सीएम के आवास में करीब 4 घंटे तक रुकना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वह अपने तीसरे कार्यकाल या यूं कहें कि 2024 में होने वाले अगले आम चुनाव को लेकर कितने फिक्रमंद हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 2014 के चुनाव और 2024 के चुनाव में काफ़ी अंतर है। यह चुनाव अपने कामों की प्रामाणिकता को साबित करने वाला है, क्योंकि लंबे समय तक सरकार में रहने से आपके खिलाफ एंटी एनकैम्बेसी भी हावी होती है और इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमवार को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के साथ रात्रि भोज पर रुकना महज संयोग नहीं था। मोदी हर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। योगी के पहले कार्यकाल में भी पीएम मोदी ने 5 कालीदास मार्ग पर आकर मंत्रियों के साथ डिनर किया। नेपाल से दिल्ली वापस जाते समय प्रधानमंत्री लखनऊ में उतरे और मुख्यमंत्री के आवास का दौरा किया। यहाँ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया। सूत्रों ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पीएम का यह दौरा काफी अहम था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।